ओके वेलकम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ये एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है जो शायद आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, और ये है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक छोटा सा सेक्शन है आपके सिलेबस का, तो आई होप कि हम इसको निपटा के फिर हम कोर प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा इंटरनल्स ऑफ ए सीपीयू एंड वी विल लुक इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जो कि आपके पास है, बेसिक मेमोरी यूनिट्स। आपकी मेमोरी को हम मेजर करते हैं बिट्स में, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल बी से। तो जो स्मॉल बी है ये आपके पास है बिट है, और अगर आप बिट की बात करो तो बिट बेसिकली क्या है, बिट बेसिकली आपके पास एक बाइनरी डिजिट होता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, बिट रिप्रेजेंट करता है अ सिंगल बाइनरी डिजिट। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो बिट की जो आपके पास यूनिट है दैट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल बी, छोटे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो बड़ी यूनिट आपके पास है वो क्या है, चार बिट्स का कलेक्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज ए निबल। 8 बिट का कलेक्शन हम बाइट बोलते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल बी। और उसके बाद 1024 के चंक्स में आपके नेक्स्ट यूनिट आते जाते हैं। तो 1024 बाइट्स किलोबाइट, 1024 किलोबाइट्स मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट टेराबाइट। तो ये आपके पास यूनिट्स हैं मेमोरी के, जनरली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एग्जाम में क्या कॉमन, जो आप एग्जाम देते हो तो उनमें भी ये बड़े ही कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं। हमेशा याद रखना, आपने छोटा बी डिनोट करता है बिट्स और बड़ा बी डिनोट करता है बाइट्स। जब आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क का कनेक्शन देखेंगे वो हमेशा आपकी स्पीड जो है छोटे बी में यानी कि बिट्स में मेजर करते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर जो है वो आपकी स्पीड जो है बाइट में मेजर करता है। तो एक बात याद रखना आपने, जब आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को खरीद रहे हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर आपसे कहता है कि मैं आपको 100 Mbps स्पीड देने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना कि 100 Mbps की स्पीड मिलने वाली है, क्योंकि स्पीड जो है वो बिट्स में होगी और कंप्यूटर जो है आपका बाइट में मेजर कर रहा होगा। तो अगर आपका 100 Mbps है, सपोज 100 Mbps, वो ऐसे लिखते हैं, छोटा भी लिखेंगे यहाँ पे 100 Mbps। तो अगर आपको एक्चुअल स्पीड चाहिए बाइट में तो यू डिवाइड दिस 100 by 8, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 point something है ना, समथिंग मेगा बाइट कैपिटल बी पर सेकेंड, इस तरीके से आपके पास मेजर की जाएगी स्पीड। सीपीयू ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, सीपीयू आपके पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रिस्पॉन्सिबल है सारे प्रोसेसिंग टास्क के लिए। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। लेकिन अगर आप इसी ALU को ज़रा और भी गौर से देखने लग जाओ तो आपको पता लगेगा कि ALU के अंदर और भी कंपोनेंट होते हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ALU के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या रहते हैं, ये अगर आपके पास एक ALU है इसके अंदर छोटी छोटी स्टोरेज रहती है जिनको रजिस्टर्स बोलते हैं, और ये वो लोकेशन है जहां पे आपका ALU जो है डाटा को रखता है ताकि वो उसके ऊपर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो रजिस्टर जो है बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत रजिस्टर्स की ये है क्योंकि ये बिल्कुल सीपीयू के अंदर होते हैं तो सीपीयू इनको बहुत फास्ट एक्सेस कर सकता है। तो रजिस्टर्स की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सीपीयू के बहुत 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 क्लोज होते हैं, इसीलिए ये बहुत 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 फास्ट भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रजिस्टर्स हैं वो बहुत कम होते हैं और मोस्ट रजिस्टर्स जो हैं हर सीपीयू में वेरी करते हैं, इनकी काफ़ी लिमिटेड स्टोरेज होती है। मोस्ट रजिस्टर जो है 32 बिट का डाटा या आजकल 64 बिट का डाटा होल्ड कर सकते हैं, और कितने रजिस्टर्स आपके पास होंगे सीपीयू में ये डिफर करते हैं हर सीपीयू के हिसाब से। तो अगर आपने कोई भी डाटा जो है प्रोसेस करना है, सबसे पहले सीपीयू जो है उनको फेच करता है आपके रजिस्टर्स में। तो रजिस्टर जो है आप सोच सकते हो बहुत ही फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है, पर बहुत ही छोटी मेमोरी है।
टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि कंप्यूटर में एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको आप रैम बोलते हो, सेकेंडरी मेमोरी होती है स्टोरेज के लिए, कैश मेमोरी होती है रजिस्टर्स, जैसे मैंने अभी बताया रजिस्टर। तो एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन उठता है कि कंप्यूटर्स में इतनी तरह की मेमोरी होती क्यों है, मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि कंप्यूटर्स में एक ही मेमोरी रहे और वही सब कुछ काम करे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे, और इस डायग्राम को हम एक्चुअली कहते हैं द पिरामिड ऑफ मेमोरी। तो ये जो पिरामिड है आपके पास मेमोरी का, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे टॉप पे आप देखोगे सीपीयू रजिस्टर है इस पिरामिड के, उसके बाद कैश मेमोरी है, और कैश मेमोरी के बाद भी लेवल वन लेवल टू कैश है, ये सारी सारी कैश मेमोरी होती है। उसके बाद है आपके पास रैम या रेंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके बाद आपके पास है स्टोरेज डिवाइसेस, और बाद में आपके पास फिजिकल डिवाइसेस है। तो ये जो पिरामिड है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पिरामिड है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो पिरामिड है ये तीन पैरामीटर्स पे बेस्ड है। सबसे पहला पैरामीटर है स्पीड, दूसरा है उसका कॉस्ट, और तीसरा है उसका साइज। अगर आपको कोई मेमोरी चाहिए जो बहुत बहुत फास्ट हो तो जनरली वो बहुत बहुत कॉस्टली भी होती है। जैसे सीपीयू रजिस्टर जो है ये बहुत फास्ट होते हैं तो, बट इनका साइज भी बहुत छोटा होता है और ये बहुत कॉस्टली होते हैं। कैश मेमोरी जो है रिलेटिवली थोड़ी स्लो होती है बट फिर भी फास्ट होती है, तो साइज जो थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ी सी और सस्ती होती है। इस पिरामिड में जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे आपकी मेमोरी जो है वो बढ़ती जाएगी साइज में, और पर उसका जो कॉस्ट है वो घटता जाएगा, और उसकी जो स्पीड है वो भी घटती जाएगी। तो आपके कंप्यूटर में हम जनरली क्या करते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट है जहाँ पे आप चाहोगे कि मेमोरी फास्ट रहे वहाँ पे हम फास्ट मेमोरी यूज़ करते हैं, और जहाँ पे आप चाहते हो कि अगर स्लो मेमोरी भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे हम स्लो मेमोरी यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी है वो सिर्फ इन तीन पैरामीटर्स की वजह से है, स्पीड साइज एंड कॉस्ट। तो बनाने को तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी बना दो एंटायरली रजिस्टर से मिलकर बनी हुई, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इन तीनों पैरामीटर्स की वजह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज की, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड की, और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट की मेमोरी जो है एग्जिस्ट करती है। कैश मेमोरी, अगर आपने नहीं सुना है कैश मेमोरी क्या है, हर सीपीयू के अंदर एक छोटा सा मेमोरी का एरिया रहता है जहां पे वो डाटा को टेम्परली स्टोर कर सकता है, इस मेमोरी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। और अगर आपका सीपीयू जो है केयरफुली मैनेज करे तो वो क्या कर सकता है, जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा है उसको वो कैश मेमोरी में रख सकता है ताकि वहां से डाटा को फास्टर एक्सेस कर सके। क्योंकि जनरली आप देखोगे कि कैश की स्पीड जो काफी फास्ट होती है तो ये आपकी स्पीड सिस्टम की परफॉर्मेंस जो वो बढ़ा देती है। ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है सीपीयू जेड, अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे तो ये आपको बताएगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो कौन सा प्रोसेसर है, कौन से सॉकेट को यूज़ करता है, किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और साथ में ये आपको बताता है कि आपके सीपीयू में कितनी कैश मेमोरी है। जनरली कैश मेमोरी जो है लेवल्स में डिवाइड होती है, तो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री, अगेन लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री जो है ये आपकी कैश मेमोरी के टाइप्स हैं। L1 जो है फास्ट मेमोरी है, L2 से स्लो है, L3 उससे भी स्लो है, तो साइज भी नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये किलोबाइट्स में है, ये कुछ हज़ार किलोबाइट्स में है, और ये मेगाबाइट्स में है। तो इस तरीके से आपकी कैश मेमोरी भी जो है वो ऑर्गेनाइज रहती है। डिफरेंट सीपीयूज की आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट कैश हो सकती है। एज ए सिंपल रूल ऑफ थंब जितनी ज़्यादा आपकी कैश रहेगी जनरली आपका सीपीयू जो उतना बेटर परफॉर्म करता है। मेन मेमोरी रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। सीपीयू क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम इसने लोड करने होते हैं वो इसको पहले रैम पे लाता है और वहाँ से इसको रन करता है। ये मेमोरी वोलाटाइल होती है, दैट मीन्स अगर आपने कंप्यूटर की पावर ऑफ कर दी तो उसका सारा कंटेंट वॉश आउट हो जाएगा। अगर आपने किसी प्रोग्राम को रन करना है तो इसको रैम पे लाना पड़ता है। इसका सीधा सा रीज़न ये है कि रैम जो फास्ट होती है, अगर आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क से रन करना चाहो तो प्रोग्राम बहुत स्लो चलेगा क्योंकि हार्ड डिस्क जो एक्सट्रीमली स्लो होती है। ये आपके पास रैम मॉड्यूल, अगर आप कभी आपने देखे ना अपने डेस्कटॉप को खोल के, ये जो चिप आप देख रहे हो ये रैम के मॉड्यूल्स हैं, और ये लगते हैं आपके स्लॉट्स में। जो मदरबोर्ड पे ये स्लॉट देख रहे हो पतले पतले से ब्लैक कलर के स्लॉट्स देख रहे हो, इनको हम रैम स्लॉट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप अपने मेमोरी मॉड्यूल्स को लगा सकते हो। कितनी रैम आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो ये एंटायरली डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड पे कि मदरबोर्ड जो है कितने स्लॉट ऑफर कर रहा है और आपका सिस्टम कितनी मेमोरी को सपोर्ट करता है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क जो है डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जनरली आप देखोगे कि हार्ड डिस्क की स्टोरेज जो है ट्रेडिशनल प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होती है, टेराबाइट तक पहुंच गई है। और जनरली हम इसको यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, तो इतनी फास्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू योर रैम और कैश मेमोरी।
अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हो, हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग डिस्क होती है, तो थोड़ी स्लो रहती है। तो ये आपके पास हार्ड डिस्क है, अगर आपने नहीं देखा उस सिस्टम को खोल कर, अभी 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, अगर आप उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको एक्चुअली में एक डिस्क दिखेगी जिसके अंदर सारा डाटा जो आपका स्टोर किया जाता है। तो ये वो डिस्क है जिसके नाम पे, इसका नाम हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, और ये उसके रीड और राइट हेड है जहाँ से डाटा को रीड करते हैं। ठीक है, जनरली आप देखोगे ऐसे हार्ड डिस्क जिसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, ये काफी अनरिलायबल होती है 4-5 साल के बाद। हम हमेशा, वैसे तो मैं तो हमेशा से हार्ड डिस्क को काफी अनरिलायबल मानता हूँ, तो हाँ 4-5 साल के बाद आपको जल्दी बैकअप कर लेना चाहिए डाटा हार्ड डिस्क से, कभी भी करप्ट की हो सकता है ऐसी हार्ड डिस्क में। और दूसरी, आपके पास जो स्टोरेज अवेलेबल है, SSD है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें आपके कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होती, बल्कि सेमी कंडक्टर्स होते हैं जो कि स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। दैट इज वाई दे आर वेरी 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 रिलायबल, और थोड़े से महंगे भी हैं, रिलेटिवली काफ़ी महंगे हैं। CD, DVD, ब्लूरे, ये आपके पास सेकेंडरी डिस्क हैं। CD आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। आजकल की जनरेशन जो है CD और DVD से आगे बढ़ चुकी है, तो चलो मेरा फ़र्ज था आपको बताना। SSD बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है आज की डेट में, क्योंकि SSD की जो टेक्नोलॉजी है धीरे 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 अब सस्ती हो रही है। नॉर्मल हार्ड डिस्क से अभी भी महंगी है, लेकिन ये जो आपको फीचर प्रोवाइड करती है, सबसे पहली फीचर है कि ये बहुत ही फास्ट है, और अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, बट सिंपल ये सेमी कंडक्टर चिप्स होते हैं, और ये सेमी कंडक्टर चिप जो है आपको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे नॉन मूविंग पार्ट जो है काफ़ी रिलायबल होते हैं, और काफ़ी हार्श कंडीशन में आप इनको रख सकते हो। तो बेसिकली आप सोच सकते हो कि ये आपको रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे सेमी कंडक्टर जो है बहुत फास्ट भी होते हैं। तो आपके ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क के मुकाबले SSD जो है वो बहुत फास्ट होती हैं, तो अगर फास्ट होगी तो ऑफकोर्स थोड़ी सी महंगी भी होती है। रोम आपके पास है, रीड ओनली मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो। एक बार अगर आपने इसको राइट कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क जो है वो रोम नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है आप उसको रीड और राइट कर सकते हो। पेन ड्राइव जो है वो आपकी रोम नहीं है। CD और DVDs जो है ये आपकी रोम होती हैं, क्योंकि एक बार इसमें आपने जो डाटा लिख दिया वो आपका परमानेंट हो जाता है, तो रीड ओनली मेमोरी। वैसे आपके पास और भी सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो रोम होती है। ईपी रोम आपकी स्पेशल काइंड ऑफ रोम होती है, जहाँ पे आप उस मेमोरी को इरेज कर सकते हो अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो ट्रेडिशनली वो एक्ट करती है रोम की तरह, पर सर्टन कंडीशंस में आप उसको प्रोग्राम कर सकते हो और उसका कंटेंट चेंज कर सकते हो। ये बड़ा ही यूजफुल है, स्पेशली उन डिवाइसेस में जहाँ पे आप नहीं चाहते कि यूजर जो है इस मेमोरी के साथ डायरेक्टली छेड़छाड़ करे, तो वहाँ पे आप ईपी रोम यूज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, राइट फ्रॉम रजिस्टर्स, देन कैश, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड सो ऑन। हर इतनी जो मेमोरीज आपने देखी उन सब के जो आप देखोगे साइज, स्पीड और कॉस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरी रहती है। आई होप कि ये आपको पता लग गया होगा। एक चैप्टर, एक टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, वो आपके पास है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का। मुझे लगता है कि आप बचपन से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो सिर्फ मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आप बचपन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हो, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, स्क्रीन क्या होती है, एंड सो ऑन। तो मैं चाहूंगा उस वाले पोर्शन को आप खुद कर लें। दिस विल कंक्लूड योर बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, और नेक्स्ट टाइम से मैं शुरुआत करूंगा आपके बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में।